हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 11 ऑफ द लास्ट ईयर कोर्स यूनिट। एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने मेगा प्रोजेक्ट 2 को, जो है कोड ड्रॉप। एंड हम काफी हद तक इसे बना चुके हैं। हमने क्रिएट फंक्शनैलिटी इसमें बना ली थी एंड व्यू की फंक्शनैलिटी भी हमने बना ली थी, तो जैसा हम इस तरीके से व्यू कर पा रहे थे, राइट। बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि कोई भी इसे व्यू कर पा रहा था, ठीक है। एंड तो उसके लिए हमें क्या सेट करना पड़ेगा, हमने थोड़े से डेटाबेस में चेंज किए थे, अगर आपको याद हो तो। तो मैं जल्दी से एपराइट खोल लेता हूँ, राइट। एंड मैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड करूंगा एंड हम अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर खोलेंगे, जो कि कोड ड्रॉप। एंड अगर आपने वीडियोस कंटिन्यूटी में नहीं देखे हैं, सो आई हाईली रिकमेंड दैट यू वॉच देम इन सीरीज, बिकॉज तभी वो ज्यादा सेंस बनाएंगी। एंड दिस इज द पार्ट 4 ऑफ द कोड ड्रॉप सीरीज, राइट। तो ये हमने, अगर मैं आपको दिखाऊं डेटाबेस में, डेटाबेसेस में कोड ड्रॉप्स के अंदर हमने कुछ चेंज किया था। तो अगर मैं आपको एट्रीब्यूट दिखाऊं, तो एट्रीब्यूट में हमने एक ओनर एट्रीब्यूट ऐड कर दिया था, राइट। तो इसका भी हमको मॉडिफिकेशन अपने कोड में करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जहां हमने क्रिएट डॉट जे एस एक्स बनाया था, तो हम यहीं पर कुछ चेंजेस करेंगे, राइट। तो हम इसमें क्या चेंजेस करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर डेटा डालेंगे। हमने यहाँ पर देखिए तीन दो चीजें मांगी, कोड ड्रॉप डेटा, ऐड कोड ड्रॉप टू डीवी। तो हमने ये फंक्शन बनाया था, ठीक है। एंड इसमें सबसे बड़ी बात थी कि हमने यहाँ पे यूजर्स में इसको पास करते थे यूजर आईडी को, ठीक है, जबकि हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे। हम क्या चाहेंगे कि मैं ओनर को इस तरीके से रख सकूं, ओनर, एंड यहाँ पर मैं रख दूंगा यूजर डॉट डॉलर आईडी, राइट। एंड यूजर सभी के लिए मैं खाली छोड़ दूंगा, वो मेरे को नहीं डालना। तो इससे क्या होगा, मैंने ओनर सेट कर दिया, किसी भी मैं अगर कोड ड्रॉप बनाऊंगा तो उसका ओनर सेट हो जाएगा मैं, एंड इसी की मदद से मैं फेच करूंगा उसे, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जब मैं ड्रॉअर में, ठीक है, फेच कर रहा हूँ, तो आपने देखा होगा हम यहाँ पर लिस्ट कर रहे थे एंड क्वेरी हमने एम्प्टी छोड़ दी थी, ठीक है। तो मैं यहाँ यूज करूंगा क्वेरी डॉट, राइट, डॉट, एंड हम यहाँ पर यूज करेंगे इक्वल। एंड अब इक्वल में दो चीज हमें देनी होती है, एट्रीब्यूट जिससे हमें कंपेयर करना है एंड वैल्यू। एंड मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमें क्वेरी जो है, जो एट्रीब्यूट हम देंगे, तो वो हमें किस तरीके से देना है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। वो हमें इंडेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार ओनर को जो है इंडेक्स बना दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने बनाया एंड यहाँ पर मैं चुन लूंगा ओनर एंड आई विल डू क्रिएट, राइट। तो इंडेक्स क्रिएट हो चुका है एंड मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ओनर इस तरीके से, ओनर शायद मैंने ये छोटे में लिखा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ, तो ये मैंने जिस तरीके से मैंने उसको नाम दिया है उसी तरीके से मैं इसको यहाँ पर यूज करूंगा, ओनर। एंड इसकी वैल्यू मैं क्या दूंगा, जो मेरे यूजर की आईडी है, उसके लिए मुझे यूजर की आईडी भी चाहिए होगी, राइट। तो मैंने एक फंक्शन बनाया था गेट करंट यूजर, राइट। तो मैं उसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ गेट करंट यूजर को एक्सपोर्ट, एंड ये हमें क्या रिटर्न करता है, यूजर, राइट। तो अब मैं ये जहां भी यूज आ रहा था उसको खोल लेता हूँ, तो मैं ड्रॉ डॉट जे एस एक्स खोलता हूँ एंड यहाँ पर हमें चाहिए था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से करूंगा कॉन्स्ट गेट यूजर इक्वल टू, या यूजर इक्वल टू असिंक्रोनस या अवेट, एंड वो फंक्शन मैं कर दूंगा गेट यूजर, गेट करंट यूजर को कॉल, राइट। एंड अब प्रॉब्लम यह है कि अवेट हमको इसके लिए असिंक्रोनस बनाना फंक्शन को पड़ेगा, ठीक है। तो इससे बेटर अप्रोच क्या है, मैं डॉट देन का यूज कर लेता हूँ, डॉट देन रिजल्ट, एंड मैं इसी रिजल्ट को ही स्टोर कर दूंगा, इसमें आईडी को सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे यूजर में स्टोर हो जाएगी। एंड अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर यूजर ही पास कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो अब ये मैंने इस तरीके से कर लिया है। एंड अब क्या करेगा, ये सिर्फ उन्हीं क्वेरीज को लौटाएगा जो मेरे यूजर ने बनाई। तो अभी अगर हम चेक करें तो ये खाली आएगा, क्यों, क्योंकि हमारे यूजर ने एक भी क्वेरी नहीं बनाई है। एक बार मैं ऐसा करता हूँ, इसको एक नए टैब में खोल लेता हूँ बड़ी स्क्रीन में, टेस्ट कर लेते हैं इस चीज को, ठीक। तो ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से खोला है
एंड अब हम क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं, अभी के लिए इसको हटाते हैं एंड अपने मेन पेज पर चलते हैं। तो ये अपना मेन पेज है राइट, एंड मैं यहाँ पर करूँगा क्रिएट एंड दिस इज वेब हाउस वेब्स सीडी यानी कोड ड्रॉप राइट। एंड यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरीके से, राइट right. तो ये हमारा बन गया एंड मैं सेव कर देता हूँ सेव। ठीक है, तो ये हमारा सेव हो चुका है एंड अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं कि आता है या नहीं। तो एक बार मैं कंसोल खोल लेता हूँ, तो ये अभी तो आ नहीं रहा है क्योंकि मैंने उसको कंसोल लॉक भी नहीं कराया। तो मैं जल्दी से जाके पहले से लॉक करा लेता हूँ एंड मैं इस तरीके से करूंगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर कर दूंगा कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड अभी देखते हैं कि क्या होता है एंड मैं इधर चलूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो आए हैं मेरे पास डॉक्यूमेंट्स। तो एक बार देख लेते हैं हमारे डेटाबेस में हमारा ओनर सेव भी हुआ है या नहीं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, आप देखिए यहाँ पर हमारा ओनर सेव तो हुआ है राइट। एंड अब अगर मैं इंडेक्सेस में चेक करूं, तो एक बार मैं इंडेक्सेस खोल लेता हूँ। राइट, तो ये थोड़ा सा लोड हो रहा है। एंड अगर हमें देखें ओनर हमने दिया है ठीक है, एंड अब एक बार कोड में भी चेक कर लेते हैं हमने सही से क्वेरी की है या नहीं। ओनर एंड हमने यहाँ पर यूजर रिटर्न किया राइट। तो एक बार हम यूजर को कंसोल लॉग करा के देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग यूजर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा एक प्रॉमिस आ रहा है इसलिए वो सही से सर्च नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉब्लम है। तो हमें एक फंक्शन ही बनाना पड़ेगा असिंक्रोनस। ठीक है, तो मैं उसको नाम दे देता हूँ, हम इस चीज में क्या कर रहे हैं फेच फेच कोड ड्रॉप्स। इस तरीके से मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि असिंक्रोनस होगा। ठीक है, एंड ये चीज इसमें आ जाएगी एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा अवेट राइट। एंड अवेट कर दिया मैंने और इसके बाहर मैं इसको बंद कर दूँ राइट। एंड अभी हमसे कह रहा है कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड बट नेवर यूज। तो अब मैं इसको नीचे कॉल कर दूंगा, तो फैच सी डी इस तरीके से मैं इसको कॉल कर दूंगा राइट। एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी ये चलना चाहिए, एक बार देख लेते हैं हम। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा यूजर आ जा रहा है। तो अब मेरे को वो चेंजेस करने पड़ेंगे कि मैं यहाँ पर यूजर डॉट डॉलर आईडी यहाँ पर पास करूंगा राइट। एंड अब हमें सबसे पहले, अब आप देखिए अब यहाँ पर सही से ये काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ एंड आपको दिखाऊं तो ये अब सही से काम कर रहा है। ठीक है, जो भी हमारे यूजर के हैं सिर्फ उसको वही देख रहे हैं, यहाँ पर ये लोडिंग होती है एंड उसके बाद। अब जो नेक्स्ट हमारा इशू है वो ये है कि हर बार जब भी हम चेंज करते हैं अपने पेज को ठीक है किसी भी कारण से, जैसे मैं क्रिएट पर जाऊंगा तो ये वापस से आप देख रहे हैं ड्रॉअर पूरा लोड होता है एंड इस चीज को हम नहीं चाहते रिएक्ट में हो ऐसा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसको कॉमन बनाऊंगा। तो मैं पहले जाऊंगा इंडेक्स डॉट, मैं देखना चाहूंगा कि मैंने किस किस जगह पर यूज किया है ये। ठीक, तो एक शायद मैंने ये ऑथ कंपोनेंट में ड्रॉअर अपना यूज किया है मोस्ट प्रोबेबली, तो यहाँ पर हमने यूज नहीं किया है। अच्छा, ऑथ में तो हमको जरूरत भी नहीं है एंड ये हमने कोड प्रीव्यू में यूज किया है, क्रिएट में यूज किया है, डैशबोर्ड में हमने ये यूज किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने ये जहां पर भी यूज किया है उसको हम, अगर मैं आपको दिखाऊं मेन डॉट जे एस एक्स में जाकर से देखते हैं। ठीक है, एंड हम यहाँ पर क्या करेंगे,
हम एक अलग बना देंगे, ठीक है। लैंडिंग में हमको नहीं चाहिए तो हम इसको बाहर ले जाएंगे। हाँ तो हम इसको इस तरीके से हटा देंगे यहाँ से, एंड यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बना देंगे एंड कॉमा लगा देंगे, राइट। एंड यहाँ पर लिख देंगे पाथ एंड डायरेक्ट लिख देंगे लैंडिंग, राइट। एंड कर देंगे एलिमेंट, एंड यहाँ पर हम जो एलिमेंट हमारा था वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो एक काम करता हूँ, मैंने जो कॉपी कर रखा है मैं उसे डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ लैंडिंग की जगह मैं स्लैश लैंडिंग करूंगा। एंड अब जो नेक्स्ट चेंज है वो हमारा क्या होगा, एक बार देख लेते हैं। ठीक, तो हमें डैशबोर्ड को भी बाहर नहीं रखना है, ये ऑथेंटिकेशन वाले इनको भी बाहर रखना है मुझे, ठीक है, क्योंकि इनमें भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इनको भी इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, राइट। एंड मैं इसमें कर दूंगा स्लैश साइन अप एंड स्लैश लॉग इन, ठीक। एंड लास्ट थिंग इज कि मैं यहाँ पर ऐप की जगह पर अपना ड्रॉअर ही यूज करूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं ऐप डॉट जे एस एक्स को तो हटा ही देता हूँ, आई डोंट नीड इट एनी मोर, तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि मैं ड्रॉअर में जाके आउटलेट बना दूंगा, जैसे हमने अपने ऐप कंपोनेंट में बनाया था। तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस पाथ को इस तरीके से सेट करते हैं कि मैं एक कॉमन ड्रॉअर बना पाऊँ, राइट। तो हमारा यहाँ पर जहाँ चिल्ड्रन आ रहा था, तो अब मैं यहाँ पर चिल्ड्रन की जगह पर आउटलेट सेट कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी मैं अननेसेसरी रेंडर हो रहे थे वो नहीं होंगे, एंड हम एक कॉमन यूज कर पाएंगे, ठीक है, कॉमन जो है। एक बार मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जल्दी से इन पेजेस में से ड्रॉअर हटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ, या अभी ठीक है, एंड ये हट चुका है इसमें से। तो क्रिएट पेज में से भी मैं हटा दूंगा, ठीक है। क्रिएट पेज में मैं जाऊंगा एंड यहाँ से भी मैं ड्रॉअर हटा दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर भी मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा, तो हमने इस तरीके से, एक मिनट, तो हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसमें चेंजेस तो कर दिए हमने, हार्ड ड्रॉअर हटा दिया इसमें से, ठीक है। एंड अब हम डैशबोर्ड में से भी ये ड्रॉअर हटा देंगे, इसमें से हटा दिया एंड इस तरीके से, ठीक है। एंड क्रिएट में से भी अगर अननेसेसरी इम्पोर्ट हमने कोई यूज किया तो वो भी हटा देते हैं, राइट। तो हमने जो किया आप देखिए उससे क्या फर्क पड़ा है। तो एक बार मैं अगर आपको मेन वेबसाइट दिखाऊं एंड रिफ्रेश करता हूं, तो आप देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से लोड हो चुका है। एंड अब अगर मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ तो ये क्रिएट पेज पर जा चुका है। एंड अब अगर मैं मेरे को एक तरीके से ये भी करना है कि मैं कैंसिल पर क्लिक करूँ तो मेरा बाहर जाए, तो पहले मैं ये भी कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं जाऊँगा क्रिएट डॉट जे एस एक्स में, एंड बटन कैंसिल पे मेरे को लगाना है ऑन क्लिक, राइट। एंड मैं इसमें कर दूंगा नेविगेट टू स्लैश, राइट। ये मेरा इस तरीके से काम करेगा। एंड अब अगर हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा आ चुका है। तो आप देख रहे हैं अगर मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ, एक मिनट, मैं इसको फुल स्क्रीन से बाहर ले जाता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए आप, ये हमारा रेंडर नहीं हो रहा, एक बार रेंडर हो चुका है, दोबारा हमें ये नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी प्रोसेसिंग भी बच रही है एंड काफी ऑप्टिमाइज हो चुका है। एंड अब अगर हम लॉग आउट करते हैं, ठीक, तो ये हमारा जैसा, मतलब वेबसाइट के लेआउट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बट हमने कॉमन एलिमेंट यूज कर लिया है ड्रॉअर, ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हम अपने एक्स्ट्रा जो रेंडर्स थे उनको बचा पा रहे हैं, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, एंड एक बार हम स्लैश पे भी जाके देखते हैं, हमारा लैंडिंग पेज आ ही रहा है उस पर, ठीक है। एंड गेट स्टार्टेड, लॉग इन हम कर लेते हैं, तो ये हमारा लॉग इन भी हो चुका है, राइट। एंड यहाँ पर ये हेलो टेस्ट आ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो डैशबोर्ड पे मैं जाऊंगा
एंड मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। मैं इसको यहां से हटा दूंगा। तो वो सही काम कर रहा है क्योंकि हमने टेस्ट वाले अपने अकाउंट में ही लॉगिन किया है गलती से। तो मैं दूसरे अकाउंट में लॉगिन करना चाहूंगा अपने, तो मैं इस वाले में लॉगिन कर लेता हूँ। राइट, मैं लॉगिन पर क्लिक करूंगा। तो ये थोड़ा गलत बता रहा है, चलिए जो हमारे पास है हम उन्हीं को कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से चल चुका है। नाउ द नेक्स्ट जो हम करेंगे वो था हमारा एडिट, राइट। तो एडिट को हम कैसे करेंगे अब देखते हैं। तो हमने यहाँ पर एडिट कहीं पर यूज किया था, तो मैं सर्च करता हूँ कहाँ यूज किया था, राइट। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने यहाँ पर एक एडिट का बनाया था एक बटन, राइट। तो जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, हम यहाँ पर एक सैंपल क्रिएट भी कर लेते हैं क्योंकि हमें उसको एडिट करना होगा। तो सैंपल एक क्रिएट कर लेते हैं, दिस इज अ सैंपल, एंड ये मैंने सेव किया। एंड हमारा ये इस तरीके से यहाँ पर रेंडर भी होना चाहिए था। अब देखिए प्रॉब्लम क्या, सेव करने के बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली नहीं आता, तो उस चीज के लिए हमें क्या करना होगा, उसको ट्रिगर करना होगा किसी तरीके से, ठीक। तो हम इसको क्या करेंगे, ड्रॉअर में जैसे हम यूज कर रहे हैं, ठीक। तो पहले तो मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, ये थोड़ा क्लीन लगे। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को हम नेविगेट पर चलाएंगे, ठीक है। नेविगेट यानी जब भी नेविगेशन होगा हमारा ये चलेगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर आ चुका है। एंड अगर मैं क्रिएट करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, तो अभी तो ये परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। एंड जैसे ही मैं नया क्रिएट करूंगा, अनदर सैंपल, दिस इज अनदर सैंपल, मैंने किया सेव। हाँ, तो ये हमारा इस तरीके से अभी भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, फिगर आउट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम इसमें एक और हम करेंगे, ठीक है। हम इसमें डालेंगे कॉन्स्ट लोडिंग एंड सेट लोडिंग, या कॉन्स्ट फेचिंग कोड ड्रॉप्स एंड सेट फेचिंग कोड ड्रॉप्स। इस तरीके से एक वेरिएबल बनाएंगे एंड इसको बाय डिफॉल्ट हम कर देंगे यूज स्टेट, एंड इसमें हम डाल देंगे फॉल्स, ठीक है। एंड यहां पर हम कर देंगे सेट फेचिंग टू ट्रू, एंड जब पूरा फेच हो जाएगा ये, तो हम यहां पर कर देंगे फाइनली, फाइनली जस्ट अ मिनट, फाइनली क्या कोड रन होगा मेरा। तो यहां पर मैं कर दूंगा सेट फेचिंग सी डी टू फॉल्स, राइट। एंड इससे क्या होगा, जब भी इसमें चेंज होगा तो मैं इसको ट्रिगर कर दूंगा फेचिंग सी डी को, राइट। ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, ठीक है। एक काम करते हैं, हम यहां पर इसको रहने देते हैं फेच सी डी, इस तरीके से फेचिंग सी डी जो भी है। एंड हम इसको यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं, बस इस तरीके से रहने देते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, जब भी ये फेचिंग सी डी को हम चेंज करेंगे तब ये ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। एंड अब हम उसको चाहेंगे कि अब वो, समझ रहे हैं आप, कि किसी भी तरीके से वो बदले यानी ट्रिगर कर पाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्टेक्स्ट का। तो अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, हमने देखा स्टेट हम बनाते हैं एंड उसको हम प्रॉप की तरह पास कर सकते हैं, ठीक। तो एक काम करते हैं, हम प्रॉप से काम कर देते हैं अभी के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से एक प्रॉप बना देंगे एंड उसको हम नाम दे देते हैं अभी के लिए फेचिंग सी डी, एंड उसमें यही पास कर देंगे हम,
सीडी, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से काम कर जाएगा, ठीक है। एंड अब हम उसको यूज कर लेते हैं अपने क्रिएट में, ठीक है। तो मैं जाऊंगा क्रिएट में, एंड यहां पर मैं कर दूंगा, जब मेरा क्रिएट हो जाएगा, ठीक, तो मैं यहां पर कर दूंगा पैचिंग। इसको मुझे यहां पर से देखिए इस तरीके से ट्री स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ठीक है। पैचिंग सीडी, एंड ये मैं ऐसा कर कर कैसे पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आउटलेट में पास कर दिया ना, और ये उसी का चाइल्ड बन चुका है, ठीक है। तो मैंने गलती कर दी, मुझे सेट फेचिंग सीडी पास करना था, ठीक है। तो मैं जाऊंगा ड्रॉअर में, एंड यहाँ से मैं सेट फेचिंग सीडी को पास करूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं वहां से ट्रिगर करना चाहता हूँ उसे। तो और ट्रिगर में किस तरीके से करूंगा, देखिए मैंने खोला क्रिएट, एंड यहाँ पर इसको किया सेट फेचिंग सीडी, एंड यहाँ पर क्या सेट फेचिंग सीडी टू ट्रू, ठीक। एंड अब हम इसे टेस्ट करते हैं, तो हम कंसोल भी खोल ही लेते हैं, ताकि अगर हमें कुछ आता है एरर तो हमें पता चले, ठीक है। तो मैं इसको अभी के लिए छोटा कर देता हूँ, एंड इसे भी मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अभी घटा नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, ठीक है। मैं क्रिएट करता हूँ, हेलो हेलो, दिस इज माय कोड ड्रॉ, एंड मैंने क्या सेव, ठीक है। तो ये कह रहा है सेट फेचिंग सीडी इज नॉट अ फंक्शन, राइट। और ये हमने यहाँ से पास भी किया है फ्रॉम ड्रॉअर, राइट, सेट फेचिंग सीडी। तो एक बार हम चेक करते हैं हाउ टू पास प्रॉप्स थ्रू आउटलेट इन रिएक्ट राउटर। राइट, तो हम इसमें आउटलेट कॉन्टेक्स्ट की मदद से ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पर सर्च किया है, एंड हमें ये आंसर यहाँ पर आया कि हम इसमें कॉन्टेक्स्ट में पास कर सकते हैं अपने जो भी चीज़ हमें पास करनी है, ठीक है। एंड हम उसको यहाँ से इस तरीके से यूज कर पाएंगे। तो एक बार देखते हैं किस तरीके से ये काम करेगा। तो हम जाएंगे अपने ड्रॉअर में, जस्ट अ मिनट, मैं जाऊंगा ड्रॉअर में, अच्छा ड्रॉअर में ही हूँ मैं, एंड कहाँ पर पास करता हूँ, मेरे को दिख नहीं रहा है, लेट मी नाउ। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से पास करने की जगह इसको करूंगा कॉन्टेक्स्ट में पास, एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा पैचिंग सीडी इस तरीके से, राइट। एंड अब जहां पर भी मुझे यूज करना है मैं इस तरीके से कर पाऊंगा। देखिए मैं क्रिएट में जाऊंगा, एंड यहाँ पर इस तरीके से डिस्ट्रक्चर करने की जगह मुझे इसे अलग से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट फेचिंग सेट फेचिंग सीडी इक्वल टू यूज आउटलेट कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमारा रिएक्ट का एक हुक है, रिएक्ट राउटर का एक हुक है। तो ये क्या करता है, आप आउटलेट में कुछ भी वैल्यू पास कर दीजिए तो वो यहाँ पर इसको ले आएगा, ठीक है। एंड आप उसको इस तरीके से पास करें तो ज़्यादा बेटर होगा, राइट। मैं एक बार बता देता हूँ, तो जैसे हमने यहाँ पर अभी डायरेक्टली पास कर दिया, तो मैं इसको इस तरीके से पास करूंगा एरे के रूप में, ठीक। एंड इसको डी स्ट्रक्चर भी मैं इसी तरीके से करूंगा, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, मेरे को नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब ये इस तरीके का कन्वेंशन है जैसा मैंने अभी यहाँ पर देखा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर पास कीजिए, एंड इसी तरीके से यहाँ पर यूज कीजिए, ठीक है। तो अब एक बार इसको यूज करके देख लेते हैं, यहाँ पर भी मैं इसको इस तरीके से कर, ठीक है। एंड अब अगर हम ट्राई करते हैं यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, व्हाट इज दिस एरर, तो ये कह रहा है रिएक्ट राउटर फॉलोइंग एरर्स, रिफ्रेश करते एक बार। तो ये क्रिएट में हमारे पास 14th लाइन में प्रॉब्लम आ रही है, ओके। तो यहां पर मेरे को ये नहीं करना था, ठीक है। लगता है यहाँ पर कुछ और था, हाँ सही है।
अब नहीं आएगा कोई इशू, गलती से मैंने वहां पर एक ब्रेस लगा दिया था। एंड अब अगर रिफ्रेश करते हैं तो इस तरीके से आ चुका है, एंड अभी मेरे तीन यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर अब चौथा डालता हूँ, लास्ट टेस्ट, एंड लेट्स होप कि इट वर्क्स, आई होप इट वर्क्स। ठीक, एंड सेव करूँगा मैं। ठीक है, एंड स्टिल मेरे पास एक एरर आया है शायद। ठीक है, सेट पैचिंग सीडी इज नॉट अ फंक्शन, तो अगेन मेरे पास एक एरर आया है। तो इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। ठीक हम क्रिएट में, जस्ट अ मिनट, सॉरी ड्रॉअर में, आउटलेट में पास कर रहे हैं फेचिंग सीडी। सॉरी, गलती से हमने ये फास्ट पास कर दिया था, सेट फेचिंग सीडी हमको पास करना था, पहली बात तो ये। एंड अब हम ट्राई कर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से कॉल कर लिया है। एंड अब हम देखते हैं इसको एक बार, सेव, एंड यस, अब देखिए आप सक्सेसफुली ये काम कर गया। एंड लास्ट टाइम अगर मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊं, क्योंकि अब मुझे पक्का पता चल गया ये, तो अनदर जावा स्क्रिप्ट इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, लॉग, यहाँ लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, हेलो, राइट, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ चुका है, तो हमने सक्सेसफुली जो है फैचिंग करवा दी है, फाइन। एंड हमारा अब जो नेक्स्ट टास्क है वो है एडिट करने का। ठीक, तो हमने अभी क्या कॉन्सेप्ट सीखा, किस तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं अपने आउटलेट के थ्रू। एंड कॉन्टेक्स्ट इज नथिंग, मैं कुछ इंफॉर्मेशन को पास कर देता हूँ उन चीजों में जिस जो लोग मतलब मेरे, आप देखिए हम ड्रॉअर के अंदर जिन चीजों को यूज कर रहे थे आउटलेट के थ्रू, अब मैं उनको कुछ इंफॉर्मेशन पास कर सकता हूँ, राइट, थ्रू कॉन्टेक्स्ट। एंड उसको मेरे को अगर कहीं पर यूज करना है तो मैं यूज आउटलेट कॉन्टेक्स्ट का यूज करूंगा। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दोबारा से दिखाऊं, मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पास किया है सेट फेचिंग सीडी, एंड इसको यूज आउटलेट कॉन्टेक्स्ट की मदद से मैं वहां पर इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। ठीक है, एंड मैं कर क्या रहा हूँ, एक्चुअल में मैं ट्रिगर कर दे रहा हूँ, बस फेचिंग सीडी को ट्रू कर देता हूँ, इससे क्या होता है मेरा यूज इफेक्ट कॉल हो जाता है, एंड वो वापस से उसको पॉज कर देता है। ठीक है, तो अब हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं जो कि हमारा है एडिट का। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक और पेज बना लेते हैं एडिट का, एडिट डॉट जे एस एक्स। ठीक है, एंड मैं क्या करूंगा, क्रिएट वाले पेज को पूरा अभी के लिए कॉपी कर दूंगा, फाइन। एंड सबसे पहले तो मैं इसका टाइटल बदल दूंगा क्रिएट का, एंड यहां पर मैं कर देता हूँ एडिट। ठीक, जस्ट ये मैंने एडिट कर दिया है। एंड नेक्स्ट थिंग इज, अब इसमें हम हमारे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अभी हम देखते हैं, पहले इसको सेट करते हैं मेन डॉट जेएसएक्स में जाके, इस पेज को हम यूज करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस तरीके से बनाऊंगा पाथ, एंड यहाँ पर मैं डाल दूंगा एडिट स्लैश आईडी, यानी कि एडिट के पीछे कुछ आईडी होगी हमारी। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर कर दूंगा एलिमेंट एडिट। ठीक है, तो हमने अपना पेज तो सेट कर दिया है। एंड अब एक बार हम जहाँ प्रीव्यू कर रहे थे इसको, सीडी प्रीव्यू में, वहां पर इसका लिंक डाल देते हैं, जो एडिट का लिंक है। तो इस पर क्लिक करने पर क्या होगा, अभी यहां से मैं इसको हटाऊंगा, लिख दूंगा ऑन क्लिक, नेविगेट टू एडिट, इस तरीके से कहूंगा स्लैश एडिट टू, एंड इसकी आईडी मेरे को कहां से मिलेगी, जो डॉक्यूमेंट है उसकी उसकी आईडी मुझे देखिए यहां से मिल जाएगी। लेट्स सी, हाँ, तो ये मैंने पैरामीटर से ली आईडी, तो वही मैं यहाँ पर पास कर दूंगा, मैं यहाँ पर कर दूंगा आईडी। ठीक, तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं, किसी का प्रीव्यू दिखाता हूँ, ठीक है, तो जैसे मैं इस पर जाता हूँ, एंड अब अगर मैं इस पर हवर करता हूँ, तो अच्छा, तो मैं काम करता हूँ, इसको लिंक टैग ही बना देता हूँ, ठीक है, जिससे वो हमें ज्यादा क्लैरिटी दिखेगी।
तो इसको मैं करता हूँ एक लिंक टैग बनाता हूँ एंड यहाँ पर इसकी जगह पर लिख देता हूँ टू इक्वल टू दिस। राइट एंड लिंक टैग को मैं कॉल कर लेता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम से। इससे फर्क क्या पड़ा कि अब मैं इस पर हवर करता हूँ तो आप देखिए नीचे आपको दिख रहा होगा मेरे पास एडिट आ रहा है। जैसे एडिट में ये गलती है, मेरे को यहाँ पर भी एक स्लैश लगाना होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एडिट आ गया। एंड अगर मैं किसी और में जाऊंगा इसका एडिट उससे डिफरेंट होगा। तो अब जिस तरीके से मैं प्रीव्यू कर रहा था ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, मैं आईडी एक्सट्रैक्ट कर रहा था अपने पैरामीटर्स से, उसी तरीके से मैं अब एडिट भी कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एडिट वाले पेज में चलते हैं। देखिए हमारे पास आईडी तो आ ही जाएगी, तो एक काम करते हैं यहाँ पर मैं जस्ट अ मिनट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, एंड अभी के लिए इसको हम छोड़ देते हैं, अंदर का कोड इसके डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एंड इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ये हो चुका है हमारा। एंड अब मैं क्या करूँगा, इसको नेविगेट भी करूँगा इसी पे स्लैश आईडी पे। एंड अभी आईडी कहाँ से आएगी, जैसे हमारे प्रीव्यू में आई थी, कॉन्स्ट आईडी इक्वल टू यूज पैरम्स। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स में से मुझे आईडी दे देगा। एंड ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने टाइटल ले लिया, कोड ड्रॉप ले लिया। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, जैसे ही यूज स्टेट करूंगा मैं यहाँ पर एक मिनट, यूज इफेक्ट का यूज करूंगा। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर डाल दूंगा आईडी। तो जैसे ही आईडी में कुछ भी चेंज होता है मैं क्या करूंगा, उसको फेच करूंगा सबसे पहले जो भी वो एग्जिस्ट करता है, एंड प्रीफिल कर दूंगा अपने फॉर्म को। ठीक है, तो इससे क्या होगा, तभी तो मैं एडिट कर पाऊंगा कि जो चीज पहले से है पहले वो तो लाई है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डेटाबेस का यूज करूंगा। तो हमने एक शायद फैच करके बना रखा है, तो मैं apprite.js में जाऊंगा एंड देखूंगा कि हमने ऐसा कुछ बना रखा है कि नहीं। तो एक हमने बनाया तो था फैच cd। ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉअर में बनाया था। ठीक है, एंड हम एक काम करते हैं, इसमें हम इसको हम apprite में ही डाल देते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा, चलिए छोड़िए, मैं काम करता हूँ इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहां पर मैं इसको लेके चलते हैं अपने एडिट पेज में एंड यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, गेट करंट यूजर को मैं कॉल कर दूंगा, डेटाबेस क्वेरी को भी कॉल कर लूंगा मैं। ठीक है, एंड कंसोल लॉग मेरे को नहीं करना है, एंड मैं वहां से भी कंसोल लॉग हटा दूंगा अगर वहां पर होगा तो मैं चाहता हूँ वहां पे, एंड पहले कंसोल लॉग्स को हटा देता हूँ क्योंकि हमें प्रोडक्शन में अपने कंसोल लॉग्स नहीं छोड़ने चाहिए। ठीक है, एंड एडिट में मैं जाऊंगा एंड सेट कोड ड्रॉप्स, जैसा हमने कुछ भी नहीं कर रखा तो मैं सेट कोड ड्रॉप करूंगा एंड यहाँ पर मैं करूंगा फाइंड। देखिए इस तरीके से डेटाबेसिस डॉट गेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, एंड मैं जो डेटाबेस आईडी वगैरह थे उनको लाता हूँ, मैं ड्रॉअर से ले आता हूँ। ठीक है, ये चीज पास की, एंड जो तीसरी चीज है हमारी डॉक्यूमेंट आईडी, वो हमें कहाँ से मिलेगी, वो तो हम आईडी से ला ही रहे हैं। ठीक है, और ये जो यूजर का लॉग है वो भी मटा देते हैं। तो जो तीसरी चीज है वो हमारी क्या हो जाएगी, आईडी, हमारे डॉक्यूमेंट आईडी। हाँ फाइन, तो इससे हमारे पास क्या होगा, जो भी डेट रिजल्ट है वो आ जाएगा एंड कोड ड्रॉप में सेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास रेस्पॉन्स ही आएगा। ठीक, एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा क्योंकि इसकी कोई नीड नहीं है, यूजर की भी मुझे वहां पर कोई नीड नहीं। फाइन, तो यहां से मैंने इस तरीके से कर लिया। तो हमने यहां पर क्या किया है, बाय डिफॉल्ट जो फैच कर लिया अपने डेटा को
एंड अब अगर हम देखें यहाँ पर कोड ड्रॉप में एंड एडिट पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ तो आया है, ठीक। तो अब हमें इसे ही करना है यूज। सबसे पहले मैं इनपुट को एक वैल्यू दूंगा, तो यहाँ पर मैं करूंगा सेट कोड ड्रॉप इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट कोड ड्रॉप एंड सेट टाइटल टू रेस्पॉन्स डॉट टाइटल, राइट। अब देखते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आ रहा है, फाइन। एंड एक और चीज हमें यहाँ पर चेक करनी होगी कि वो यूजर वही है ना जो हम चाहते थे, ठीक। तो यूजर तो मुझे ऑफकोर्स चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पर करूंगा कॉन्स्ट यूजर, ठीक है, इक्वल टू अवेट गेट करंट यूजर। ऐसा क्यों, वरना कोई भी एडिट कर पाएगा ना उसको, इसलिए मैं चाहता हूं। तो मैं यहां पर एक रेस्पॉन्स के थ्रू चेक करूंगा, इफ रेस्पॉन्स डॉट ओनर नॉट इक्वल टू हमारा यूजर का आईडी, यूजर डॉट डॉलर आईडी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से करूंगा अलर्ट, अलर्ट में कर दूंगा यू आर नॉट द, यू कैन नॉट एडिट दिस कोड ड्रॉप बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग्स टू यू, राइट। इस तरीके से हम एक एरर शो कर देंगे एंड उसके बाद हम उसको नेविगेट कर देंगे, ठीक है। तो नेविगेट को हमको पहले बनाना पड़ेगा, नेविगेट तो ऑलरेडी है इसमें, ठीक है, तो नो इशू विद दैट। तो मैं इसको कर दूंगा नेविगेट टू हमारा स्लैश, ठीक, होम पेज पर ये नेविगेट हो जाएगा। उसके तो बाद यहाँ पर एक हमारे पास एरर आ रहा है, तो हम यहाँ पर नेविगेट को भी कर देते हैं पास, ठीक है, फाइन। एंड नेक्स्ट थिंग, अब हम देखते हैं कि हमने फेच कर लिया है, ठीक है। तो अब इसमें कुछ यूजर चेंजेस करेगा, ठीक है। तो जब तक कोई यूजर चेंजेस नहीं करता है तब तक उसको सेव का बटन नहीं दिखना चाहिए, मतलब सेव का बटन एक्टिव नहीं दिखना चाहिए अगर जब तक कोई चेंज नहीं हो रहा, ठीक। तो पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर कर दूंगा किस तरीके से कॉन्स्ट चेंज्ड कॉमा सेट चेंज्ड, राइट। एंड मैं यहां पर कर दूंगा यूज स्टेट फॉल्स, राइट। एंड अपने सेव बटन को भी मैं उसी हिसाब से करूंगा यूज, अगर ये सेव्ड चेंज्ड के हिसाब से, कि अगर चेंज ही नहीं हुआ है तो फिर वो डिसेबल्ड रहेगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो देखिए अभी वो डिसेबल्ड हो गया होगा, ये तो इनेबल्ड है, पर देखते हैं ऐसा क्यों, क्या कि नॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड रहेगा एंड जब यूजर कुछ भी चेंज करेगा तो मैं चाहूंगा कि वहां पर आए, राइट। तो मैं एक और यूज इफेक्ट वहां पर डालूंगा, यूज इफेक्ट, राइट। एंड मैं यहां पर एक और स्टेट बनाऊंगा कॉन्स्ट इनिशियल कोड ड्रॉप, इस तरीके से, ठीक है, सेट इनिशियल कोड ड्रॉप, यूज स्टेट, इसको मैं पहले एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दूंगा, ठीक। एंड यहां पर क्या होगा, जब मेरा फैच हो जाएगा तो मैं यहां पर सेट इनिशियल ऑब्जेक्ट भी करूंगा। एंड ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं जो ओरिजिनली ऑब्जेक्ट था उसको ला पाऊं और सेव कर पाऊं, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जब यूजर चेंज करेगा तो मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है, जो दूसरा यूज इफेक्ट लगाया है वो कब चलेगा, पहली बात तो जब मेरे टाइटल में या कोड ड्रॉप में चेंज होगा, ठीक। एंड मैं यहां चेक करूंगा कि इफ टाइटल नॉट इक्वल टू रेस्पॉन्स या इनिशियल
सीडी डॉट टाइटल, ठीक है, और कोड ड्रॉप नॉट इक्वल टू इनिशियल कोड ड्रॉप, यानी कि समझ रहे हो, अगर थोड़ा सा भी वो बदला है तो आप उसको इनेबल कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेट चेंज टू ट्रू, सिंपल, एल्स सेट चेंज टू फॉल्स, ठीक है। तो इससे देखिए क्या फर्क पड़ा। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी चेंज करूंगा तो एक्टिव हो जाएगा, लेकिन अगर ये वापस जाएगा अपनी पुरानी कंडीशन में तो ये वापस से गायब हो गया, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूंगा तो वापस आ गया, लेकिन ये वापस अगर गया तो इस तरीके से हो जाएगा, एंड मैं यहाँ एक एंटर मारता हूँ तो एक्टिव, यानी अगर छोटा सा भी चेंज होगा कुछ तो सेव मेरा एक्टिव हो जाएगा, एंड अगर वो इनिशियल स्टेट में मेरा आ जाएगा तो वो वैसा ही रहेगा। एंड सबसे बड़ी बात, मैं सेव को चेंज करके, सेव को चेंज करके मैं कर देता हूँ यहाँ पर, मेरे को इसमें एक एरर भी दे रहा है कि मुझे इनिशियल वो भी डालना चाहिए, क्योंकि मैं डाल देता हूँ, चलिए ये कह रहा है, तो इनिशियल सीडी डॉट टाइटल कॉमा इनिशियल सीडी डॉट कोड ड्रॉप, ठीक है। तो ये हमसे कह रहा है बस इसलिए डाल रहा है, बट काम तो वो हमारा वैसे भी करता है, ठीक है। बट बाई चांस अगर हमारा डेटा नहीं आता है तो वो सही चलेगा, ठीक है। तो हम चेंज करने वाले थे इसे एडिट को, या अपडेट हम कर देते हैं इसे, ठीक है। तो जिससे क्या थोड़ा सा चेंज लगेगा, एंड ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फाइन, अब हमें बनाना है अपना अपडेट कोड ड्रॉप का फंक्शन, ठीक है। तो हम चलते हैं, एंड यहाँ पर एडिट का ई छोटा कर देता हूँ मैं, एंड यहाँ पर भी एडिट का ई छोटा कर, इसके बीच में होगी जो भी हमारे चेंजेस हमारे हुए हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉमिस आएगा हमारे पास, प्रॉमिस इक्वल टू डेटाबेसेस डॉट अपडेट डॉक्यूमेंट, ठीक। एंड अब वो जो चीजें थी वो मैं तीनों पास कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। एंड उसके बाद जो मेरा अपडेटेड डेटा है वो मैं यहाँ पर पास करूंगा, ठीक। तो एक बार मैं इस पर हवर करूंगा, तो हमसे डेटाबेस आईडी, कलेक्शन आईडी, डॉक्यूमेंट आईडी, एंड फिर डेटा लेता है। तो मैं यहाँ डेटा इसको दे देता हूँ, तो हम यहाँ पर अब अपडेटेड डेटा डाल देंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा टाइटल एंड कोड ड्रॉप, राइट। तो ये मेरा अपडेट हो जाएगा डेटा, ठीक है। एंड मुझे वही चीज यहाँ पर डालनी है जो मतलब बदली है, मतलब अगर मैं ओनर नहीं डालूंगा, मतलब ओनर डालना मेरे लिए जरूरी नहीं है क्योंकि मैं उसको बदलना भी नहीं चाहता ऑफ कोर्स। तो मैं यहाँ पर दो ही चीजें पास करूंगा, ठीक। एंड अगेन ये प्रॉमिस मेरे को दो चीजें रिटर्न कर सकता है, प्रॉमिस डॉट देन रेस्पॉन्स ये रिटर्न कर सकता है, या एरर, ठीक है। तो रेस्पॉन्स मैं यहाँ पर लिखूंगा, एंड अगर मेरे पास यहाँ पर रेस्पॉन्स आएगा तो मैं उसको नेविगेट कर दूंगा, एंड यहाँ पर मैं कहीं लोडिंग का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको लोडिंग को तो अभी नीचे रखती हूँ, तो ये नेविगेट हो जाएगा हमारा यूजर अगर सक्सेसफुल रहा, वरना अगर एरर आया तो मैं एरर को अलर्ट करा दूँ, ठीक है। अलर्ट एरर, फाइन। एंड यहाँ पर एक शायद कर्ली ब्रेस एक्स्ट्रा है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा फाइनली सेट लोडिंग टू फॉल्स। तो ये हमारा अपडेट एडिट फंक्शन भी जो है बन चुका है, ठीक है। तो एक बार हम कर देते हैं एडिटेड सैंपल, दिस इज कंप्लीटली एडिटेड, ठीक। तो मैं अपडेट करूंगा, एंड अब हमें यहाँ पर एडिट तो इसको कर दिया है, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर साइड में ही एडिट नहीं हुआ है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने वो ट्रिगर तो वहां से हटा दिया था, ठीक। तो अब देख रहे हो अब यहाँ पर ये एडिटेड सैंपल आ गया, तो हमें वही चीज यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी जो हमने पहले यहाँ से गलती से हटा दी थी। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है हमको, यहाँ पर सिंपल हम उसको बुला लेंगे, दैट बैचिंग सीडी, एंड ये हम कैसे करेंगे, यूज यूज आउटलेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एंड हम फाइनली जब ये हो जाएगा
तो नेविगेट करने से पहले हम उसको कर देंगे ट्रिगर सेट पैचिंग सीडी टू ट्रू, ठीक है। एंड अब हम इसी को ही एडिट कर देते हैं दोबारा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे करूँगा री एडिटेड एंड अपडेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये अपडेट हो चुका है। तो हमने यहाँ पर क्रिएट की फंक्शनैलिटी बना ली है, एडिट की फंक्शनैलिटी बना ली है एंड डिलीट की फंक्शनैलिटी बना ली है, ऑथेंटिकेशन कर लिया है। एंड जो हमारा अब लास्ट पार्ट बचता है जो कि है हम इसको शेयर किस तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये तो कर लिया था कि लिंक कॉपी हो जाएगी, ठीक। बट अब मुझे इसमें एक चीज सेट करनी है कि अगर ये पब्लिक है या प्राइवेट है, ठीक है। अगर ये पब्लिक होगा तो सभी को विजिबल होगा, अगर प्राइवेट होगा तो मैं यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन कर सकता हूँ कि मुझे को ये किसके साथ शेयर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं एंड इस तरीके से हम यहाँ पर एक डेटाबेस में चेंज करेंगे छोटा सा, एंड हम यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट बनाएंगे पब्लिक, ठीक है। एंड ये एक बुलियन होगा एंड इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी फॉल्स, राइट। एंड हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टॉगल बना देंगे, ठीक है। तो हम क्रिएट में एक टॉगल बना देंगे, सर चलते हैं क्रिएट में एंड यहाँ पर मैं एक टॉगल बना दूंगा, ठीक है। तो टॉगल के लिए मैं डेजी यूआई की वेबसाइट पर जाऊंगा, डेजी यूआई। एंड इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम आप इस तरीके से समझे, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हमारा पब्लिक होगा तो कोई भी उसे देख पाएगा बट एडिट नहीं कर पाएगा, एडिट उसको ऑफ कोर्स ओनर ही कर पाएगा, ठीक है। एंड पब्लिक का ये भी फायदा है कि आपको लॉग्ड इन होने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो बेनिफिट आपको वहां पे मिल जाएगा। एंड मैं यहाँ पर करूँगा एडिट, चलिए मैं यहाँ पर करते हैं टॉगल, हमको यहाँ पर ढूंढना था, अच्छा ठीक है। तो टॉगल हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं, या टॉगल, टॉगल से अच्छा मेरे पास, मैं यहाँ पर स्वैप वो यूज कर लेता, ठीक है। तो ये काफी अच्छा लगता है, तो चलिए वही कर देते हैं, टॉगल ही यूज कर लेते हैं। तो ये भी है टॉगल, तो इसका मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ जो कि एक लाइन का था ऑफ कोर्स। एंड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, एक बार खोलते हैं हम क्रिएट को। एंड मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ पर साइड में इसके डाल देता हूँ तो भी ठीक ही लगेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर टाइटल के साइड में डाल देता हूँ, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं, तो चलिए हम नीचे ही डाल देते हैं, इसके सबसे नीचे डाल देते हैं इस तरीके से। इनपुट जो भी था पेस्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर, एंड एक बार देख लेते हैं कैसा लग रहा है। ये यहाँ पे आ चुका है एंड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इसका लेबल। तो एक काम करता हूँ, मैं फॉर्म कंट्रोल ही बना लेता हूँ यहाँ पे, फॉर्म कंट्रोल एंड गैप टू जैसे ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। एंड ये डेज़ी यूआई की क्लासेस हैं, इसमें एज सच कुछ भी नहीं है हार्ड। लेबल मैं यहाँ पर दूंगा एंड इसमें लिख दूंगा डू यू वॉन्ट टू मेक दिस कोड ड्रॉप पब्लिक, राइट। एंड यहाँ पर मैं फॉर दे दूंगा टॉगल, पब्लिक टॉगल, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इसको दे दूंगा आईडी पब्लिक टॉगल, ठीक है। तो जब हमारा यूजर क्रिएट कर रहा होगा तो वो यहाँ पर सेट कर सकता है कि वो इसको टॉगल करना चाहता है या नहीं। तो ये बाय डिफॉल्ट टॉगल होता है, तो पहले मैं इसे हटाता हूँ, ठीक है। एंड अब अगर वो चाहे तो इस तरीके से चेंज कर सकता है। इनको मैं एक ही रो में डालता हूँ, तो मैं आप पे कर देता हूँ फ्लेक्स रो, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से शो हो। नाउ अब इससे होगा क्या बेनिफिट, कि जब हमारे यूजर्स को क्लिक कर देगा तो हम ट्रू भेज देंगे, ठीक है। तो हम इसमें कर देते हैं वैल्यू का यूज पब्लिक
हमें एक स्टेट बनानी पड़ेगी अब। पब्लिक कॉमा सेट पब्लिक, एंड आपने देखा होगा ये यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा काम आते हैं हमारे इसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू दे दी पब्लिक। ओके, तो ये एक रिजर्व्ड वर्ड है, पब्लिक इसलिए नहीं रख सकते हम, तो हम रख देते हैं इज पब्लिक। ठीक है, एंड यहाँ पर भी हम रख देते हैं इज पब्लिक, फाइन। एंड ऑन चेंज हम इसमें डाल देंगे, ऑन चेंज हम कर देंगे सेट इज पब्लिक टू ए डॉट टारगेट डॉट चेक्ड। ठीक है, एंड ये वैल्यू हम यहाँ पर क्रिएट करते वक्त पास कर देंगे डेटा में। मैं यहाँ पर पास कर दूंगा पब्लिक, एंड अगर मैंने यहाँ पर इसको इस पब्लिक रखा है तो मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पर भी इसका नाम ही इस पब्लिक रख देता हूँ। ठीक है, जिससे कि डिस्क्रिपेंसी ना रहे पहली बात तो, है ना। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा इस पब्लिक, एंड ये बुलियन बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। एंड अब हम यहाँ पर करते हैं एक क्रिएट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, माय पब्लिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस इज अ पब्लिक ऑब्जेक्ट, एंड सेव। तो ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। एंड अब हम देख लेते हैं डेटाबेस में, डॉक्यूमेंट्स में, एंड आप सबसे नीचे हम चलते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फॉल्स आया है। ठीक है, वैसे देख लेते हैं कि ये क्यों आया ऐसा। लाइक लेट्स सी, एंड इस चीज को देखने के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा यहाँ पर, जो हमने क्रिएट बनाया है यहाँ पर, इसी के नीचे मैं इसको शो कर देता हूँ उसकी वैल्यू को। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इज पब्लिक, ठीक है, एंड हम यहाँ पर चेक करते हैं क्रिएट करके। तो ये हमको शो नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ इज पब्लिक, हेलो, अभी देखते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से आ रहा है, इसका मतलब मैं उसको डायरेक्टली तो यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से यूज करूंगा। इस पब्लिक ठीक है, एंड अगर ये पब्लिक हुआ तो मैं यहाँ पर ट्रू कर दूंगा, या फिर अब मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ कि अब ये काम करेगा नहीं। ठीक है, तो अब करते हैं अनदर पब्लिक कोड ड्रॉप, हेलो देयर, एंड ये मैंने किया पब्लिक एंड सेव। ठीक, एंड अब एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, तो अब ये ट्रू आ चुका है। ठीक है, तो अब मतलब हमारा ये परफेक्ट काम कर रहा है, एंड अब हम इसको एडिट में भी डाल देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, इससे क्या होगा यूजर बाद में भी टॉगल कर सकता है। ठीक है, तो जो भी चेंज थे, तो मैं यहाँ पर एक बनाऊंगा कॉन्स्ट इज पब्लिक स्टेट इज पब्लिक इक्वल टू यूज स्टेट, एंड ये बाय डिफॉल्ट रहेगा फॉल्स। ठीक है, एंड जो मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसके लिए भी चेक करूंगा। ठीक है, पब्लिक इस पब्लिक के लिए, राइट, एंड यहाँ पर मैं इसका भी कंपेरिजन कर लू, कॉमा इनिशियल सी डी डॉट ई। ठीक है, एंड मैं इसको भी यहाँ पर कर दूंगा कि अगर यूजर सिर्फ वो भी बदलेगा तो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक करूंगा इज पब्लिक इक्वल टू Not equal to,
इनिशियल सी डी डॉट इज पब्लिक, ठीक है। तो अब इस तरीके से हो जाएगा। एंड अगेन मुझे एक यहाँ पर बनाना होगा क्रिएट की तरह एक टॉगल बटन, तो मैं वहां से कॉपी कर लेता हूँ, बेटर रहेगा। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स स्पेस दिस बिलो द एडिटर एंड यहाँ से मैं इस तरीके से फाइन। एंड अब हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला था माय पब्लिक ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैं इसको एडिट करूंगा एंड अब मैं इसे पब्लिक कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, ठीक। तो अब हम यहाँ पर डेटाबेस में चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा अपडेट तो नहीं हुआ, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने वो वैल्यू पास ही नहीं करी है एडिट वाले में, ठीक है। तो हमने जब ये यूज इफेक्ट यूज किया है, सॉरी अपडेट किया होगा ना यहाँ पर, कहाँ पर है फंक्शन एडिट कोड ड्रॉप, तो हमने यहाँ पर ये पास नहीं किया इज पब्लिक एंड मुझे इस तरीके से पास करना होगा, ठीक है फाइन। एंड अब हम एक और बार यहाँ पर कर लेते हैं एडिट डेट अपडेट फाइन। अब अगर मैं एडिट करने जाऊँगा तो ये अभी भी नहीं हुआ है, लेट्स सी चेंज। डेटाबेस लेट्स रिफ्रेश दिस एंड चेक करते हैं, तो ये अपडेट हो चुका है, ठीक है। एंड ऐसा इसलिए हो रहा है कि वो हमको वहां नहीं दिख रहा क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने उसकी वैल्यू नहीं सेट करी है, ठीक है, यूज इफेक्ट में। जैसे हमने यहाँ पे सेट टाइटल किया उसी तरीके से हम यहाँ पे सेट इज पब्लिक को भी कर देंगे, रेस्पॉन्स डॉट इज पब्लिक, ठीक है। तो अगर मैं एडिट करूंगा तो यहाँ पे ये आ जाना चाहिए था, राइट। तो एक बार देखते हैं कि रिस्पॉन्स आया क्या है। तो पहले तो एक यूजर पे यहाँ पर कंसोल हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, तो मैं एक बार नेटवर्क टैग भी यहाँ पर खोलना चाहूंगा, ठीक है। एंड मैं इसको कैंसिल करूंगा, वापस से जाऊंगा माय पब्लिक ऑब्जेक्ट में, ठीक है। एंड यहाँ से हमारे पास रिस्पॉन्स आया होगा, तो आप देख सकते हैं इधर से तो इस पब्लिक का वैल्यू ट्रू आया है, तो मैं उसको सही से सेट नहीं किया है, रिस्पॉन्स डॉट इस पब्लिक एडिट में हमने सही से तो लगाया है, फिर क्या प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं एडिट, अगेन वही प्रॉब्लम आया है। मैं अगर इसको चेंज करता हूँ तो आप देख रहे हैं इनिशियली तो वो प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा चेक्ड इक्वल टू इज पब्लिक, ठीक है। एंड अभी हम चेक करते हैं, तो अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये सही चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू यहाँ पर काम नहीं करता है, ये काम करता है, ठीक है। एंड अब हम क्या करते हैं, किसी और को पब्लिक करते हैं, तो एडिट करता हूँ मैं इसे, पब्लिक कर देता हूँ, अपडेट करता हूँ, ठीक है। एंड अगर मैं फिर से एडिट करने पर जाऊँगा तो ये सही आ फाइन। तो हमने अब एडिट का भी बना लिया है एंड उसमें भी पब्लिक का कर दिया। अब बात आती है अगर कोई पब्लिकली इसको देखना चाहेगा तो वो देख कैसे पाएगा, ठीक। तो उसके लिए हम एक और पेज बनाएंगे पब्लिक प्रीव्यू नाम का, जिसमें कि हम ड्रॉअर तो ऑफकोर्स नहीं दिखाएंगे यूजर को, ठीक है। तो और वो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि यूजर हमारा लॉग्ड इन है या नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, या फिर पब्लिक प्रीव्यू के लिए हम बिना उसके दिखा देते पब्लिक प्रीव्यू डॉट jsx, मैं यहाँ पे करूंगा rfcp, ठीक है। एंड जो हमारा क्रिएट पेज है बेसिकली प्रीव्यू पेज है, मैं उसको ही कॉपी करूंगा यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ पेस्ट कर दूंगा, या इससे बेटर होगा मैं उसे ही पास कर देता हूँ,
ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड मेन डॉट जे एस एक्स में जाऊंगा। मैं यहाँ पर एक पाथ बनाऊंगा एक और ऊपर इसी तरीके से, एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा पाथ स्लैश पब्लिक स्लैश आईडी, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कर दूंगा एलिमेंट सी डी प्रीव्यू, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे हम यहाँ पर अब इसको यूज कैसे करेंगे, एक काम करते हैं हम इसको खोल लेते हैं एंड मेरे को यहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए था, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके लिंक को कॉपी कर लेता हूँ किसी एक को खोल के, एंड नए टैब में मैं इसको स्लैश पब्लिक करके खोलूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूंगा पेस्ट एंड यहाँ पे करूंगा स्लैश पब्लिक एंड फिर एक और स्लैश, तो आप देख रहे हो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है, ठीक है। बट मेरे पास ये एडिट और डिलीट बटन नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपने सी डी प्रीव्यू को चेंज करूंगा, ठीक है। मैंने सी डी प्रीव्यू खोल लिया है एंड यहाँ पर मैं इन बटन को शो ही तब करूंगा जब पब्लिक होगा वो, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा कॉन्स्ट इज पब्लिक व्यू, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इससे बेटर मैं करता हूँ कॉन्स्ट इज यूजर ओनर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेट इज यूजर ओनर, एंड बाय डिफॉल्ट हमारा यूजर ओनर हम अज्यूम करेंगे कि नहीं है, ठीक है, फॉल्स, ठीक। एंड जब ये फेच होगा तो मैं क्या चेक करूंगा यहाँ पर कि इफ यूजर सॉरी इफ रेस्पॉन्स, सॉरी यहाँ पर ये एरर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेस्पॉन्स डॉट डॉलर आई डी दैट ओनर नॉट इक्वल टू मेरा यूजर, मेरे को अब निकालना पड़ेगा। तो पहले मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा कॉन्स्ट अवेट, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर यूजर में पहले निकाल लेता हूँ कॉन्स्ट गेट या यूजर इक्वल टू अवेट या असिंक फंक्शन में बनाऊंगा पहले यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा रिटर्न अवेट एंड गेट करेंट यूजर, ठीक। तो मेरे पास यूजर आ जाएगा एंड उस यूजर को मैं यहाँ पे कंपेयर कर लूंगा यूजर डॉट आई डी से, अगर ये मेरा करंट यूजर नहीं है, मतलब जिसने लॉग्ड इन कर रखा है वो नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, मैं सेट या अगर बराबर हुआ तो मैं उससे कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये बराबर हुआ तो सेट इज यूजर ओनर टू ट्रू, ठीक है, उसी कंडीशन में ट्रू करेगा वो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रेस्पॉन्स में से जो ओनर आएगा उसको कंपेयर कर रहा हूँ लॉग्ड इन यूजर के साथ, ठीक है। एंड ये भी अगर होगा तो ही ना, एंड तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेंगी कि इफ यूजर डॉट द यूजर होना भी चाहिए इसके लिए, ठीक है, कि अगर यूजर हो तभी आए, वरना नल मेरा आ जाएगा ना, नल आ जाएगा। अगर यूजर है एंड उसके आईडी भी है तो मेरे पास ये आ जाना चाहिए, ठीक है, सेट यूजर ओनर टू ट्रू। एंड अब ये एडिट बटन और जो डिलीट बटन है उनको मैं उसी केस में बस शो कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस डिव को एक मिनट, उस डिव को इस तरीके से हाइड कर देता हूँ एंड रैप कर देता हूँ जेएसएक्स में, ठीक। एंड यहाँ पर कंडीशनल रेंडरिंग मैं करूँगा जो कि मैंने डे वन में पढ़ाई थी आपको, एंड यहाँ पे मैं करूँगा इज यूजर ओनर, तभी मेरे को ये दिखेगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको देखें, रिफ्रेश करते हैं एंड पेस्ट करते हैं जो लिंक हमारे पास थी, ठीक है, एंड यहाँ पे डाल देते पब्लिक, जस्ट अ मिनट, कर दिया पब्लिक, ठीक है। तो ये इस तरीके से देखिए मेरे पास आ रहा है, एंड इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे यूजर को ये ला ही नहीं पा रहा है,
ठीक है, एंड लेट्स सी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने कहीं यूजर को कॉल ही नहीं किया है, एंड यूजर मेरा एक फंक्शन है बेसिकली। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू यूजर, या मुझे इस तरीके से कॉल करके यहाँ पे करना पड़ेगा कि अगर इसमें आईडी हुई तभी मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से करूँगा। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ अभी भी ये मेरे पास नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ से इसको फंक्शन ही बना, इसी के अंदर ही बना लेते हैं जैसे हम पहले करते हुए हैं। मैं पे करूंगा कॉन्स्ट पैच सी डी असिंक्रोनस एंड यहाँ पर मैं इस तरीके से फंक्शन बना लूंगा, यहाँ पर भी इस तरीके से कर लूंगा। ठीक है, एंड मैं इसको कॉल कर लूंगा जैसे मैंने पहले किया था, पैच सी डी। ठीक है, एंड अब मुझे यहाँ पर इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर लूंगा कॉन्स्ट यूजर इक्वल टू अवेट गेट करेंट यूजर, एंड यहाँ पर मैं कर दूंगा यूजर एंड एंड यूजर डॉट डॉट। ठीक है, एंड अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर जस्ट अ मिनट, यहाँ पर डाल देता हूँ पब्लिक, एंड हमारे पास यहाँ पर एडिट और डिलीट बटन भी आ चुके हैं। ठीक है, एंड अगर वो एडिट करेगा तो वो ऑफ कोर्स उसके पास इसकी एक्सेस भी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा शो हो रहा है। एंड अब अगर मैं इसको एक बार आपको इनकॉग्निटो टैब में खोल कर दिखाऊं, ठीक है, तो मैं एक बार इसको इनकॉग्निटो टैब में खोलता हूँ। ठीक है, एंड मुझे लग रहा है आपको दिख नहीं रहा होगा, तो एक बार मैं उसकी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। तो मैं एक बार इसकी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेरे को बटन शो नहीं हो रहे। ठीक है, तो एक बार मैं वापस से स्क्रीन को स्विच कर देता हूँ। ठीक, तो हमारा ये सक्सेसफुली बन चुका है, एंड अब हमें बस लिंक शेयर करने का सिस्टम बनाना है। ठीक है, जो कि हमारा बेसिकली बन रखा है। ठीक है, तो बस हमें एक और चीज उसमें ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा कोड ड्रॉप में, एंड कोड ड्रॉप प्रीव्यू में ही मैं जाऊंगा। ठीक, एंड जहां पर हमने ये एफ ए लिंक बना रखी है, मैं एक और बनाऊंगा यहाँ पर ग्लोब करके एक बटन, यानी कि इसकी एक डुप्लीकेट बना देता हूँ। ठीक, एंड यहाँ पर मैं ग्लोब वाला बटन दबाऊंगा। ठीक है, एंड इस पर क्लिक करने से क्या होगा, मेरे जो मैं यहाँ पर यूज कर पाऊंगा मेरी एडिट वाली पब्लिक वाली आईडी। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे एच आर एफ से तो पूरा का पूरा यूआरएल मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा तो नहीं चाहता, मैं यहाँ पे क्या करूंगा डॉट स्प्लिट, एंड इसको मैं स्प्लिट करूंगा मेरे, चलिए चलिए इससे बेटर अप्रोच हम कुछ सोचते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम रिएक्ट राउटर से हम यू आर एल कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। गेट करंट यू आर एल ऑफ रिएक्ट राउटर, या फिर हम इससे बेटर कर सकते हैं, हम अपने डोमेन का नेम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, जो कि ये है। ठीक है, एंड इसमें हम यहाँ पे कर देंगे पब्लिक स्लैश, एंड हम यहाँ पर लिख देंगे आईडी जो कि हमारे पास यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, तो अब अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर कोई भी प्रीव्यू, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ये लिंक आ चुकी है। ठीक है, लिंक कॉपी टू योर प्रोफाइल, एंड मैं अगर इसको पेस्ट करके दिखाऊँ तो ये इस तरीके से हमारी चलेगी। ठीक है, ठीक है, एंड जो हमारी इसमें अब लास्ट चीज रह जाती है वो छोटा सा चेंज है, यहाँ पे लिख देता हूँ पब्लिक लिंक कॉपी टू योर प्रोफाइल, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्राइवेट लिंक शेयर टू योर प्रोफाइल।
ठीक है। एंड अब एक और फंक्शनैलिटी है जो कि अगर मेरे को लगता है मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो वो है कि अगर मैं इसको किसी स्पेसिफिक यूजर के साथ शेयर करना चाहूँ, जो जिसके लिए हमने उसको यूजर्स नाम की एरे को बनाया भी हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आप मुझको बताएंगे, मतलब वो मैं उस बेसिस पे बनाऊंगा आपका रेस्पॉन्स कैसा रहता है। तो अगर इस वीडियो में मुझे 5 कमेंट ऐसे मिलते हैं जो मुझसे कहते हैं कि आप इसमें वो वाला फीचर भी इम्प्लीमेंट कीजिए, तो मैं उस फीचर को ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, ठीक है। एंड आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल रहा, आज हमने कई सारी चीज़ें सीखी, ठीक है। एंड हमने कौन सा, जैसे कि हमने डेटाबेस से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें देखी कि हम क्या अप्रोच लेके चलते हैं, ठीक है। जब हम मल्टी समझ रहे, प्राइवेट डेटा एंड पब्लिक डेटा के बीच में कंपैरिजन करना होता है ऐसे टाइम पर, तो हमने उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल किया यहाँ पर। एंड हमारा एप्लीकेशन फुल मतलब फुली बन चुका है एंड यूजेबल भी है। एंड आई हाईली रिकमेंड कि आप सिर्फ इन लेक्चर्स को देखिए मत, आप कोड को खुद लिखिए एंड उसमें खुद के भी कुछ इनोवेट कीजिए। यानी कि आपको कहीं से कुछ भी आइडिया इस तरीके से नहीं सोचना, बस छोटा सा सोचना है। जैसे कि आप इसमें कमेंट्स का डाल सकते हैं, जैसे पब्लिक लिंक पर आप कमेंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या दूसरा हो गया कि आप जो मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट नंबर को शेयर करने का सिस्टम, वो या प्राइवेट ईमेल आईडी को शेयर करने का सिस्टम जिसमें आप ईमेल आईडी डालेंगे एंड सिर्फ वही ओपन कर पाएगा, तो वो आप खुद से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड मुझे बेहद खुशी होगी अगर आप ऐसा करते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट में लोगों को जरूर बताइए कि ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। एंड थैंक्स फॉर बीइंग टिल द एंड ऑफ वीडियो एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द लास्ट ईयर कोर्स यू नीड। एंड साइनिंग ऑफ, दिस इज बैक।